धन गुरु नानक, 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 जो हमारी विद होती मेरे सतगुरा साबित तुम हर जानो आपे हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सत गुर संग किरे हम थाते तन तन गुर नानक गुरु नानक जन केरा जन केरा जित मिलिए चूके सब सोग संताप सारे मन वृत्तियां एकाग्र करो गुरु नानक पाशा के चरणों का ध्यान आंखें बंद कोई भी रसना खाली ना रहे सारे मिलकर गायन करो वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु Thank you.
वाहे गुरु 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 वा
धन गुरु नानक धन गुरु नानक। पिछले साल इन्हीं दिनों में दास ने एक साखी सुनाई थी, छोटी सी साखी है, श्रवण कीजिए क्योंकि आज का प्रकरण उसी पर आधारित है। भाई लहना जी जब तक प्राप्ति नहीं हुई थी, गुरु अंगद देव जी नहीं बने थे, दूसरे गुरु नानक भाई लहना जी हर साल माता के दर्शनों के लिए जाया करते थे जत्थे समेत। अमृत वेले उनके कानों में आवाज पड़ी। आवाज क्या थी?
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सह पंगुर प्रसाद जप आदि सच जुगादि सच है पी सच नानक होसी पी सच। यह आवाज जब उनके कानों में पड़ी तो इतिहास में लिखा है भाई लैणा जी की समाधि लग गई। पहली बार उन्होंने मूल मंत्र सुना और समाधि में लीन हो गए। इतिहास में लिखा है 24 घंटे तक भाई लैणा जी समाधि में लीन रहे। जब समाधि खुली तो हैरान हुए, ये क्या चीज थी जो मैंने सुनी और मेरा मन जुड़ गया। दरवाजा खटखटाया जिस घर से आवाज आ रही थी, कहने लगे ये तो क्या पढ़ रहा था। तो सिख ने जवाब दिया कि मैं गुरु नानक का सिख हूँ और ये गुरु नानक ने मुझे मूल मंत्र दिया है। प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक। भाई लैणा जी कहने लगे मुझे इनके दर्शन करने हैं, कौन है ये गुरु नानक। बात वहीं पर आई गई हो गई। कुछ समय बाद जब भाई लैणा जी माता के दर्शनों के लिए जा रहे हैं जत्थे समेत, तो रास्ते में जिस गांव में ठहरे उसका नाम था करतारपुर। प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक। जो गुरु नानक पातशाह ने बसाया था करतारपुर। जब उन्हें खबर हुई कि ये गांव वो है जहां पर गुरु नानक रहते हैं, तो सारा जत्था माता के दर्शनों को चला गया, भाई लैणा जी नहीं गए। वो घोड़े पे सवार होकर पता पूछ रहे हैं कि गुरु नानक का घर कहाँ है। गुरु नानक पाशाह रास्ते में मिल गए, घोड़े की लगाम पकड़ ली, कहने लगे आ मैं तुझे बताऊं गुरु नानक का घर कहाँ है। भाई लैणा जी घोड़े पे सवार हैं, गुरु नानक पाशाह लगाम पकड़ कर लेकर जा रहे हैं और घोड़ा बार लगाकर अंदर जाकर खुद बैठ गए। भाई लैणा जी अंदर गए तब पता चला यही गुरु नानक हैं। इतनी निम्रता और गुरु नानक पाशाह के चरणों में सर झुका दिया। गुरु नानक पाशाह कहने लगे आज नहीं, कल सुबह अमृत वेले आना, कल बात करेंगे। अब भाई लैणा जी के मन में ये बात है कि सारा जत्था माता के दर्शनों को चला गया, मैं रह गया। इतने सालों का मेरा नेम, मैं माता की यात्रा पे जाता हूँ, मेरा रह गया। मन में एक उदासी है कि मैं माता के दर्शनों को नहीं जा पाया। अमृत वेला हुआ, भाई लैणा जी चल पड़े। जब गुरु नानक पाशाह के घर के बाहर पहुंचे, दूर से देखा एक बड़े ही दिव्य चेहरे वाली लड़की गुरु नानक पाशाह के घर के बाहर झाड़ू मार रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक। भाई लैणा जी उसे देखते रह गए, दूर से खड़े रहे। वो लड़की भाई लैणा जी के पास आई, कहने लगे लैणिया पहचाना नहीं। भाई लैणा जी कहने लगे नहीं मैंने तो नहीं पहचाना। कहने लगे हर साल मेरे दर्शनों को आता है, मैं वही माता हूँ। प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक। भाई लैणा जी के हाथ जुड़ गए, कहने लगे माता आप यहाँ पर गुरु नानक पाशाह के दर पर झाड़ू मार रहे हैं। कहने लगे लोग अपनी लाखों हजारों इच्छाएं लेकर लाखों लोग आते हैं, गुरु नानक पाशाह के दर पर झाड़ू मार कर मैं उन सब की इच्छाएं पूरी करती हूँ। प्यार से बोले धन गुरु नानक धन गुरु नानक। ये बात सबने सुन रखी है, साखी बहुत बार सुनी है सबने। संत बाबा राम सिंह जी सिंगड़े वालों ने ये साखी सुनाकर ये बात इस पॉइंट पर लेकर आए, कहने लगे विचारने वाली बात है, माता गुरु नानक पाशाह के दर पर झाड़ू मारकर सारी दुनिया की इच्छा पूरी कर रही है और हम गुरु नानक के दर से अपनी इच्छा तक पूरी नहीं कर सकते। थोड़ा देखिए जरा, ज्यादा ही विसल बज रही। माता गुरु नानक पाशाह के दर पर झाड़ू मारकर चरण धूड़ी लेकर सारी दुनिया की इच्छा पूरी कर रही है, जो भी जाता है, हम गुरु नानक के दर से अपनी इच्छा भी पूरी क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या कमी है हम में। दूसरों की तो छोड़ो, कम से कम अपनी इच्छा तो पूरी हो जाए, हम इतने लायक भी नहीं, क्या कमी है। जब दास ने ये बात सुनी बाबा राम सिंह जी के मुंह से, तो उस दिन से तकरीबन 6-7 महीने हो गए हैं मेरे मन में ये बात चल रही है कि क्या कमी है, क्या कमी है। तो गुरु ने कृपा की जो सुमत बख्शी दास को के क्या कमी है, वो इस बारे में आज विचार करेंगे कि हम में क्या कमी है जिस वजह से हम अपनी कमाई करके गुरु नानक पाशाह के दर पर आकर
फिर भी खाली रह जाते हैं। क्यों? गुरु नानक से अपनी झोली कैसे भरवाएं? आज का ये प्रकरण है। आइए शब्द गायन करें, फिर विचार आगे बढ़ाते। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए सारे। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। गली असी चंगिया आचारी बुरिया मनो कुसुदा कानिया बाहर चिटविया। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। काले मेंढे कपड़े काला मेंढा वेश गुनही परिया में फिरा लोक कहे दरवे। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे
अंतर वसे न बाहर जाए, अमृत छोड़े काहे बिख खाने। अंतर वसे न बाहर जाए, अमृत छोड़े काहे बिख खाने। अमृत छोड़े काहे बिख खाने, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए। अमृत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे नहीं कोई, प्रणवत नानक करे सोए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ओ वो चाकर साचे के रे। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, ओ वो चाकर साचे के रे। ओ वो चाकर साचे के रे, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए। प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए। प्रणवत नानक तारे सोए, हो हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए। प्रणवत नानक तारे सोए। ज्ञान त्यान सब कोई रवे, बांधन बांध्या सब जग पवे। Oh,
सेवा करे सो चाकर होए जल थल मैयल रव रहे आसोए सेवा करे सोचा कर होए जल थल मैयल रव रहे आसोए जल थल मैयल रव रहे आसोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे हम नहीं चंगे सारे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए सारे बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक क्यों हम अमृत वेले उठकर भी नाम जपकर भी गुरु नानक के दर पर आकर भी अपनी झोली नहीं भरवा पाते क्यों बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन याद कर लिया कीजिए कि कमाई करनी मुश्किल है नाम जपना मुश्किल है पर उसको संभालना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक हम सब करके गवा लेते हैं और सब सुन चुके हैं कि गवाने का सबसे जो मेन कारण है वो है निंदा अमृत वेले उठे ढाई घंटा सिमरन किया कीर्तन सुना बाहर जाकर 10 मिनट किसी की निंदा कर ली सारा कुछ गवा लिया महापुरुषों के वचन खाली के खाली रह जाते हैं निंदा के बाद बारी आती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की बाबा आनंद सिंह जी महाराज के वचन कभी ये नहीं मांगना गुरु से कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार खत्म हो जाए नहीं बस में आ जाए बस में इन सब की जरूरत होती है पर कहां इस्तेमाल करना है इसमें बड़ा डिफरेंस होता है प्यार से बोले धन गुरु नानक ये पता होना चाहिए आज का प्रकरण है क्रोध काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में से आज क्रोध को चुना कि क्रोध क्या होता है क्रोध को काबू में कैसे लाया जा सकता है गुरबाणी के आधार पर क्रोध को कैसे जीतें महापुरुषों के क्रोध के बारे में क्या विचार है और गुरबाणी हमें क्या समझाती है कि अपने मन की अवस्था कैसे रखें के क्रोध ना आए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक धन गुरु नानक सुबह बैठा होता हूँ ना कीर्तन करने के बाद तो 2-3 लोग जरूर आते हैं रोज कि मेरा बच्चा बड़ा क्रोधी है बाबा जी कुछ नाम दीजिए क्रोध बहुत आता है मैं उनको क्या कहूँ मुझे ही बहुत आता है प्यार से बोलिए धन गुरु नानक ये प्रकरण लेने का कारण ही ये है कि जब आप लोगों को समझाऊंगा तो मुझे खुद को भी शर्म आएगी और मैं भी शायद कंट्रोल क्रोध पे कंट्रोल कर सकूं क्रोध आना एक और बात है क्रोध ना आना एक और बात है पर क्रोध आने के बाद उसे काबू में कर लेना इसके लिए गुरु की कृपा चाहिए प्यार से बोलिए धन गुरु नानक पहले इस बारे में विचार करेंगे कि क्रोध होता क्या है ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन कहा करते थे मस्कीन जी के दो प्रकार के पागल होते हैं दो प्रकार के
एक होते हैं परमानेंट पागल, एक होते हैं टेम्परेरी पागल। हम जितने यहाँ बैठे हैं ना, सब टेम्परेरी पागल हैं। सच है ये, मस्कीन जी के वचन है महापुरुषों के। पागलपन क्या होता है? हर आदमी को क्रोध आता है, महापुरुषों तक को क्रोध आता है, पर महापुरुषों का क्रोध ऐसा होता है जैसे समुद्र में लहर उठती है ना और उसी वक्त मिट जाती है। सेकंडों का क्रोध होता है, गुस्सा आया किसी बात पर अंदर सिमरन इतना होता है कि उसी वक्त शांत हो गया। हम लोगों में गुस्सा इस प्रकार होता है जैसी जिसकी अवस्था, किसी का गुस्सा 2 मिनट, किसी का 5 मिनट, किसी का 5-5 दिन नहीं जाता। और जिनका गुस्सा परमानेंट रह जाए, जाए ही ना, वो पागल हो जाते हैं। पागल खाने में जो पागल होते हैं उनका गुस्सा परमानेंट है। समझो किसी को गुस्सा आया, खत्म ही नहीं हो रहा, ऐसा आदमी समाज में रहने लायक नहीं रहता, उसे पागल खाने में डाल दिया जाता है कि किसी का नुकसान कर देगा। वो होते हैं परमानेंट पागल, हम लोग हैं टेम्परेरी पागल। इसका भाव समझिए, जब आदमी को क्रोध आता है तो वो पागल हो जाता है, उसका मतलब है उस पर पागलपन सवार हो गया। एक पागल रास्ते से जा रहा हो, आपको गाली दे दे, आप उसकी बात का बुरा मानोगे? नहीं, क्योंकि आपको पता है वो पागल है, इसकी बात का क्या बुरा मानना। तो महापुरुष वचन किया करते थे, जब कोई क्रोध में आपसे कुछ कहे तो उसकी बात का बुरा मत माना करो, क्योंकि उस वक्त वो अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। क्रोध का मतलब ही है पागलपन। अगर शांति में आपसे कोई गाली दे तो उसको सीरियसली लो, पर अगर क्रोध में आपसे कोई कितना भी बुरी बात कह जाए उस बात पर ध्यान मत दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात समझ में आ रही है क्रोध क्या है? और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन के 100 मन लकड़ी पड़ी हो उसे जलाने के लिए एक चिंगारी ही काफी है। इसी प्रकार किसी ने लाखों पुण्य कमा लिए हो, क्रोध करके किसी का हृदय दुखा दे, मानो सारे पुण्यों को जला दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए क्रोध से बचना बहुत जरूरी है। अभी क्रोध के स्वभाव को समझे, क्रोध होता क्या है? क्रोध कभी भी हारने वाले को आता है, जीतने वाले को नहीं। जीतने वाला क्यों क्रोध करेगा? जो जीत गया वो क्यों क्रोध करेगा? क्रोध हारने वाला करता है, क्रोध का स्वभाव। दूसरा, आदमी को क्रोध किसी पर भी आया हो, निकलता अपने से कमजोर पर ही है, अपने से ताकतवर पर नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पागलपन की हालत में भी उसका इतना दिमाग जरूर काम करता है कि ये मुझसे ताकतवर है, ये मुझसे कमजोर। एक दृष्टांत, एक आदमी, एक सेठ अपने ड्राइंग रूम में बैठा है, खाना खा रहा है। अचानक उसे किचन में बर्तन टूटने की आवाज आती है, तो बिना देखे वो नौकर को गालियां देना शुरू कर देता है कि इतने बर्तन तोड़ दिए, इसके पैसे कौन भरेगा, ये वो फलाना, बोलते जा रहा है, गालियां देते जा रहे हैं। इतने में बीवी बाहर आती है, बर्तन मुझसे टूटे हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब चुपचाप खाना खाने लग जाता है, अब बीवी से कौन पंगा ले। अब क्रोध कहाँ गया? क्रोध था पर निकला किस पे? कमजोर पे। ये क्रोध का स्वभाव है। हम इस वक्त ये समझ रहे हैं कि क्रोध होता क्या है, क्रोध का स्वभाव क्या है। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन, अगर क्रोध को काबू में ना किया गया, ये जबान अगर दो शब्द ऐसे बोल दे, दुश्मन दोस्त दुश्मन बन जाता है। अगर कड़वे बोल निकल जाए इस रसना से, और इसी रसना से अगर मीठे बोल निकल जाए, दुश्मन भी मित्र बन जाता है। ये बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन। इसीलिए कहते थे क्रोध जब भी निकलता है ना, पहले पहले रसना के रूप से बाहर निकलता है, जबान से। हाथ पांव बाद में चलते हैं, पहले जबान चलती है। इसीलिए कहते थे कि जब विचार मन में आए ना,
वहीं से कंट्रोल करना शुरू कर दो। वो कैसे करते हैं, और दो पंक्तियां पढ़े फिर विचार आगे बढ़ाते हैं। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। नानक फिक्के बोलिए तन मन फिक्का हो, फिक्को फिक्का सदिए फिक्के फिक्की सो। क्रोधी इंसान का शरीर रोगों से गल जाता है। वाणी कहती है नानक फिक्का बोलिए, फिक्का का भाव है कड़वे वचन। जो लोग कड़वे वचन बोलते हैं क्रोध में, उनका शरीर गल जाता है। वाणी इसे प्रमाणित करती है, नानक फिक्का बोलिए तन मन फिक्का होए। काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले, कि ये काम और क्रोध एक काम करते हैं कि जिस प्रकार सोने को पिघालना होता है ना, जब उसके ऊपर थोड़ा सुहागा डाला जाता है उसी वक्त पानी में बदल जाता है, वो पिघल जाता है। जिसके शरीर में क्रोध बार बार आए कंट्रोल ना कर पाए, उसका शरीर भी इसी प्रकार पिघल जाता है। वाणी कह रही है, गुरु साहब जी कह रहे हैं, काम क्रोध काया को गाले जो कंचन सुहागा टाले। इससे बचने का एक ही तरीका है। क्रोध कब आता है इंसान को, जब इंसान को लगता है कि मैं सही हूँ सामने वाला गलत है। पर गुरु नानक पाशा कहते हैं तू अपनी मत बदल ले। हर इंसान को दूसरे की पीठ तो दिखाई देती है, अपनी पीठ नहीं दिखाई देती। दूसरे की बुराई दिखाई देती है, अपनी नहीं दिखाई देती। तू अपने मन की सोच बदल ले, अपनी बुराई देख और दूसरे की अच्छाई देख। जिस दिन तेरी ये अवस्था हो जाएगी, तुझे क्रोध आना बंद हो जाएगा। शब्द क्या पढ़ रहे हैं, हम नहीं चंगे कि हम अच्छे नहीं हैं। ये गुरु नानक पातशाह का शब्द है, उच्चारण किया हुआ कि हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई। मन की जिस दिन ये अवस्था बन गई कि हे पातशाह कि मेरे से बुरा कोई नहीं और बाकी सबसे अच्छा कोई नहीं, उस दिन तुझे क्रोध आना बंद हो जाएगा। पर सच में ये अवस्था मिल जाए, आओ सारे मिलकर मांगो गुरु नानक से। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सो। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सो। अंतर वसे न बाहर जाए, अमृत छाड़े काहे भिख खाए। अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छाड़े काहे भिख खाए।
अमृत छाड़ काहे बिक खाए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए। ओ हम नहीं चंगे पुरुषों के वचन, जो पाप हम बाहर कमाएंगे, मानो क्रोध किया किसी का हृदय दुखा दिया, मन में पश्चाताप आया, यहां पर गुरु नानक के चरणों में आए, माफी मांगी, गुरु नानक बख्श दिया, बख्श देता है गुरु नानक, वो बख्शन हार है। ध्यान देना, बाहर हमने क्रोध किया, हमारा लेखा बन गया, लेख बन गया कि हमने क्रोध किया, किसी का हृदय दुखा दिया, गुरु नानक पाशाह के चरणों में आए, अमृत वेले गुरु नानक से अरदास करके माफी मांगी, गुरु नानक ने बख्श दिया। पर जो लोग यहां पर आकर किसी का हृदय दुखाएंगे, गुरु नानक के दर पर आकर, वो कहां जाके बख्शाएंगे। महापुरुषों के वचन, जो बाहर पाप किए हैं गंगा में जाकर धो लोगे, जो पाप गंगा में जाकर करोगे वो कहां जाकर धोगे। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, वो साखी याद कीजिए, भाई कीर्ति वाली, शॉर्ट में सुना देता हूं क्योंकि बहुत सारी संगत नई भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आनंदपुर साहब के किले में विराजमान है, एक मदारी आता है रिच को लेकर कि पाशा तमाशा दिखाऊं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहते हैं चल दिखा ले। रिच नाच रहा है, तमाशा दिखा रहा है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को चौर कर रहा है, भाई कीर्तिया चौर साहब कर रहा है, वो भी बड़ी जोर जोर से हंस रहा है रिच को देखकर। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज भाई कीर्तिया से पूछते हैं तुझे पता है ये रिच कौन है। भाई कीर्तिया कहने लगे पाछा मैं क्या जानूं। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे भाई कीर्तिया ये तेरा पिता भाई शोभा राम है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। भाई कीर्ति ने चौर साहब रख दी, कहने लगा पाछा मेरे पिता ने गुरु तेग बहादुर साहब जी के नौवे गुरु नानक के दिन रात सेवा की, कई साल साथ में जीवन गुजारा, उनके एकमात्र एक बार उनके कोई दर्शन कर ले नरकों में नहीं जा सकता गुरु नानक के, और मेरे पिता ने तो सारी जिंदगी सेवा में बिताई है गुरु नानक की, फिर उनका जन्म रिच का कैसे हुआ। अगर यही हाल है तो इस दर पे कोई भी सेवा नहीं करेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे पूछ तो सही इसको रिच का जन्म क्यों मिला। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने अपने मुखारविंद से साखी सुनाई कि तेरे पिता भाई शोभाराम का स्वभाव बड़ा क्रोधी था, संगत से बड़े कड़वे वचन बोलता था, प्यार से बात नहीं करता था संगत से। गुरु साहब जी ने कई बार समझाया विच संगत हर प्रभ वस्य जियो, के संगत में मीठे बोल बोलने हैं, कड़वे वचन नहीं। पता नहीं किसी का हृदय दुख जाए, किसी के मन से बसीस निकल जाए, बच के रहना चाहिए। पर तेरे पिता ने अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। एक दिन तेरे पिता करा प्रसाद की देख बरता रहे थे, एक आदमी जिसे प्राप्ति हो चुकी थी सहज अवस्था की, बड़ी ऊंची अवस्था का मालिक था, वो आया, बाहर उसकी बैलगाड़ी चल रही है, रास्ते में छोड़कर आया, बैलगाड़ी चलते जा रही, वो भागा भागा आया गुरु तेग बहादुर साहब जी के चरणों में माथा टेका और प्रसाद लेने चला गया, और कहने लगा शोभा राम मुझे प्रसाद का किनका पहले दे दे, मेरा गड्ढा चला जा रहा है। तेरे पिता ने गुस्से से उल्टा सीधा कोई जवाब दे दिया, पर वो चुप रहा। दो बार तीन बार जब उसने कहा मेरा गड्ढा चल रहा है, ध्यान देने वाला कोई नहीं, मुझे पहले दे दे, तो तेरे पिता ने कड़वे बोल बोले क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है, और हाथ ऐसे किया क्यों रिच्छों के जैसे ऊपर आ रहा है। जब उसने हाथ ऐसे किया, उसके हाथ में कड़ा प्रसाद लगा था, वो नीचे गिर गया। उस सिख ने वो कड़ा प्रसाद का किनका अपनी रसना से लगाया, आंखों में आंसू भर आए, हृदय दुख गया, कहने लगा रिच तो तू है जिसे इतना नहीं पता कि संगत में बात कैसे करते, और कहकर चला गया। और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे मेरी बांदी भगत छुड़ावे, बांदी भगत न छूटे मोहे। अगर मैं किसी को बांध दूं मेरे भगत छुड़ा सकते हैं, पर मेरा भगत किसी को बांध दे मैं नहीं छुड़ा सकता। उस सिख के हृदय से बसीस निकल गई कि रिच है तू, इसे रिच का जन्म लेना पड़ा। इस बात से क्या शिक्षा मिलती है,
कि संगत में आकर हमने अगर क्रोध पर काबू नहीं किया, बाहर किया, उसकी गुरु नानक उसे बख्श देगा। पर संगत में आकर अगर क्रोध किया, किसी का हृदय दुख गया, किसी के हृदय से बसीस निकल गई, तो फिर माफी नहीं मिलेगी गुरु नानक से साथ संगत। इस बात को ध्यान से विचारो। ये साखी बार दास बार बार सुनाता है, क्योंकि कभी संगत आती है दास के पास के सेवादार बुरी तरह से बोलते हैं, कभी सेवादार आते हैं कि संगत बुरी तरह से बोलती है। ये ख्याल दोनों को रखना है, जो गलती करेगा सजा उसे मिलेगी। गुरु नानक बख्शन हर है, पर विच संगत हर प्रभ वस्य जियो। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, 84 लाख जोनियां नहीं भटकनी पड़ी पर इसे, क्योंकि इसने गुरु तेग बहादुर साहब जी की संगत की थी, सेवा की थी, एक ही जन्म में छुटकारा हो गया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने देख खाई, वही कड़ा प्रसाद उस ऋषि को खिलाया, उसके प्राण निकाल दिए। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, और मुक्त कर दिया। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सो। सारे मांगो हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सो। प्रणवत नानक तारे सोए, रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। महापुरुषों के वचन के अपने को मन को समझाने के लिए गुरबाणी से बड़ा कोई आसरा है ही नहीं। गुरबाणी की ये पंक्तियां श्रवण कीजिए। सच कहता हूँ साध संगत जी, ये पंक्तियां दास पिछले 15 सालों से पढ़ता चला आ रहा है। जब भी मन उदास होता है ना, इन पंक्तियों में बहुत शक्ति है। मन को एक आसरा मिलता है, एक ज्ञान मिलता है कि तू जो कर रहा है सब व्यर्थ है। श्रवण कीजिए। जा रहना नाही ऐत जग ताकायत गर्ब हंडिये, मंदा किसे न आखिए, पर अखर हो भुजिए, मुँह रखे नाल न लुजिए, मुँह रखे नाल न लुजिए। जब भी किसी का किसी से झगड़ा हो जाए, क्रोध आ जाए, तो क्या कहते हैं हम? हमारा झगड़ा हो जाए किसी से कि अब मैं इसको दिखाता हूँ, मन में यही कहते हैं ना, अब मैं इसे दिखाता हूँ और लोगों को भी दिखाऊंगा कि मैं क्या हूँ। प्यार से बोले धन गुरु नानक। हर आदमी के मन की अवस्था बता रहा हूँ, मेरे समेत हमारे मन में एक ही ख्याल आता है, अब मैं इसको दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ और लोगों को दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। बाणी क्या कहती है, क्या समझाती है? जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गर्ब हंडी है। महापुरुष इस बात को इस प्रकार समझाते थे कि जिन लोगों को तो दिखाना चाहता है क्रोध में अहंकार में, उन लोगों ने रहना नहीं है कुछ समय बाद। जिस पर क्रोध आया है, जिसे दिखाना चाहता है, उसने भी नहीं रहना है, मर जाना है, और तूने भी नहीं रहना, तूने भी मर जाना है। जब ना देखने वाले ने रहना है, ना दिखाने वाले ने रहना है, जिसको दिखाना है उसने भी नहीं रहना, तो किस बात का अहंकार करता है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब 25 साल 50 साल बाद कोई याद करेगा कि यहां पर क्या हुआ था? चैप्टर क्लोज। घरों में जाओ,
तीन चार तस्वीरें लगी हो ना दादा परदादा के, बच्चे से नाम पूछो तो उसे परदादा का नाम तक नहीं पता होता, प्यार से बोले धन गुरु नानक। मुझे ही अपने दादा का नाम नहीं पता, अगर मैं सोचने बैठूं तो मुझे याद नहीं आएगा। कौन याद रखता है बातें? हम अपने अहंकार को लेकर, अपने क्रोध को लेकर अपने को ही तकलीफ देते हैं, अपने को ही। लाभ कोई नहीं होता। जा रहना नाही ऐत जग ता कायत गर्भ हंडी है, तो क्या करें? गुरु साहिब जी फरमाते हैं, मंदा किसे ना आखिए पर अखर एहो बुझिए। कहते हैं सारा ज्ञान, सारी बाणी, सारी जिंदगी, सारा गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ ले, जितने मर्जी धर्म ग्रंथ पढ़ ले, एक अक्षर मन में बसा ले क्या, के मंदा किसे ना आखिए। इतना ज्ञान सिर्फ मन में बसा ले, इतना ज्ञान तुझे हो जाए ना कि बुरा कोई नहीं, मंदा किसे ना आखिए, पढ़ पढ़ अखर एहो बुझिए, सिर्फ ये एक अक्षर बूझ ले, समझ ले, जान ले, तुझे ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जा रहना नाही ऐत जग तक कायत गर्भ हंडी है, मंदा किसे ना आखिए पर अखर एहो बुझिए। फिर मुंह रखे नाल ना लुजिए, पाशा समझाते हैं, जो आदमी अपने मुंह को आगे रखे, मूर्ख किसे कहते हैं, जो अपने मुंह को आगे रखे बुद्धि को पीछे, बोले पहले सोचे बाद में, ऐसे आदमी से दूर रहे। प्यार से बोले धन गुरु नानक। जो आदमी बोले पहले सोचे बाद में उसे कहते हैं मूर्ख, जो मुंह को आगे रखे, मुंह रख, अपने मुंह को आगे रखता है बुद्धि को पीछे रखता है, उसे कहते हैं मूर्ख। ऐसे आदमी से पाशा कहते हैं उलझ मत, दूर हो जा। एक ही बात, मंदा किसे ना आखिए, सारे बोलिए मंदा, मंदा किसे ना आखिए। आइए दो मिनट ये भी गा लें हम, मंदा किसे ना आखिए, 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 पर अखर ए हो बुझिए, 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 ओ मंदा किसे ना आखिए, 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 पर अखर एहो बुझिए, पर अखर एहो बुझिए, अखर एहो बुझिए, पर अखर एहो बुझिए, मंदा किसे ना आखिए, मंदा किसे ना आखिए, मंदा किसे ना आखिए, मंदा किसे ना आखिए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सोए, प्रणवत नानक तारे सोए, मंदा किसे ना आखिए, मंदा किसे ना आखिए, बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी धर्म हैं उन धर्मों के मुखियों ने क्रोध पे कंट्रोल करने पर खास जोर दिया है। पोप अपनी किताब में लिखते हैं कि क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्रोधी होने का मतलब एक ही है कि दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। कैसे?
मानो किसी की दुकान है, नौकर कोई गलती कर दे, नुकसान कर दे, अब मालिक उसे क्रोध में चिल्ला रहा है, तो बीपी किसका बढ़ रहा है, नौकर का के मालिक का? मालिक का। नुकसान किसका हो रहा है, सजा किसे मिल रही है, गलती की नौकर ने? सजा मिल रही है मालिक को। अब इसकी तकलीफ बढ़ जाएगी तो तकलीफ किसकी बढ़ेगी, मालिक की। इसलिए कहते थे कि जिस पे गुस्सा हो रहा होता है ना, जो गुस्सा खा रहा होता है, जो क्रोध झेल रहा होता है, तरस उस पे मत किया करो, तरस उस पे किया करो जो क्रोध कर रहा है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मंदा किसे ना किए, 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 कन्फ्यूजिस। राइटर का नाम लिखा हुआ है कन्फ्यूजिस। लिखते हैं, जब भी क्रोध पैदा हो, पैदा होने लगे, पता चल रहा है कि क्रोध आ रहा है अब, तो कहते थे 2 मिनट रुक कर विचार कर लिया करो कि इसका परिणाम क्या हो सकता है। 2 मिनट अगर इंसान उस वक्त रुक जाए, विचार कर ले कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, तो अनहोनी टल जाती है। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। और बाबा नंद सिंह जी के वचन मेरे घर में लिखे हुए हैं एक लकड़ी के ऊपर, कि निम्रता रखने से, निम्रता रखने से विपता का समा टल जाता है। भाव एक ही है, दोनों बातें एक ही हैं। निम्रता, एक आदमी क्रोध में कुछ कह रहा है, दूसरा अगर निम्रता रख ले तो विपता का समा टल जाता है। अगर वो भी जवाब दे दे तो आगे चल के हाथ पैर ही चलेंगे, विपता बढ़ जाएगी। विपता का समा टल सकता है अगर सामने वाला एक आदमी भी निम्रता रख ले। तो बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन के निम्रता रखने से विपता का समा टल जाता है। ओ मंदा किसे ना किए, 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 मंदा किसे ना किए। बाबा नंद सिंह जी से किसी ने सवाल किया कि पाछा पुराने समय में तप क्या होता था, पुराने जमाने में जो युग बीत गए हैं, तप का बड़ा महत्व था, लोग तप करते थे, तप किसे कहते हैं और कल युग में तप क्या है? बाबा नंद सिंह जी ने समझाया तप क्या होता है। पिछले युगों में तप का बड़ा महत्व था, गुरबानी भी इस बात को प्रमाणित करती है। तप क्या होता था कि अत की गर्मी के दिन है, जो योगी होते थे अपने आसपास आग जलाकर उसके अंदर बैठ जाते थे, अपने शरीर को तपाते थे। तप का भाव होता था अपने शरीर को तकलीफ देना। पुराने जमाने में इसका महत्व था, पिछले जमाने में इसे कहते हैं तप करना। कोई जब अत की ठंडी हो, ठंड हो, तो ठंडे पानी से अपने ऊपर पानी गिराए जाना, ये सब तप करते थे ऋषि मुनि। बर्फ में जाकर बैठ जाते थे, अपने शरीर को तकलीफ देते थे। बारिश में भीग भीग कर सिमरन करते थे, अपने शरीर को तकलीफ देकर, इसे कहते हैं तप। बाबा नंद सिंह जी महाराज कहने लगे, ये तो हो गया पिछले युगों का तप, कल युग का तप पता क्या है? तपा सिर तप है, किसी के कड़वे वचनों को सहन कर लेना, उसका जवाब न देना। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कहते थे वही फल मिल जाएगा कल युग में, पर अगर ये अवस्था बन जाए क्या कि कोई सामने वाला क्रोध करे, कड़वे वचन बोले, उसको सह ले, जवाब देने की समर्थता हो। देखिए, एक होता है मजबूरी में सहना कि पता है कि इसके आगे जोर चलेगा नहीं, पता है कि जवाब दे सकते हैं, पता है कि 1 का 10 कर सकते हैं, पर फिर भी सह लेना, जवाब ना देना। बाबा नंद सिंह जी महाराज के वचन तपा सिर तप है, किसी के कड़वे वचन सह लेना। और हमारे सिख इतिहास में, गुरु के इतिहास में देखेंगे तो ये पैर पैर पर ये घटना सामने आ जाती है। एक घटना श्रवण कीजिए।
जब भाई दातू जी को पता चला कि गुरु अंगद देव जी ने, दूसरे गुरु नानक ने गुरु अमरदास जी को तीसरा गुरु नानक बना दिया है, गुरुगद्दी सौंप दी है, तो क्रोध आ गया कि गद्दी के हकदार तो हम थे। क्रोध आ गया, क्रोध से चल पड़े। संगत बैठी है, हजारों की तादाद में गुरु अमरदास जी बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं तीसरे गुरु नानक। भाई दातू जी आए, जोर से लात दे मारी तीसरे गुरु नानक को, प्यार से बोले धन गुरु नानक। गुरु अमरदास जी को जोर से लात दे मारी, गुरु अमरदास जी गिर गए। वृद्ध अवस्था गुरु अमरदास जी गिर गए, पर क्या किया, उठे, उनके पैर चरण दबाने लग गए, कहने लगे कि हमारा शरीर वृद्ध हो चुका है, सख्त हो चुका है, हमारी हड्डियां बाहर निकल आई हैं, कहीं आपके चरणों को चोट ना लग गई हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये अवस्था हमारे गुरुओं की है। मैं मानता हूं साध संगत जी, हमारी अवस्था होनी लगभग नामुमकिन है कल युग में, पर ये सुनने का, महापुरुष कहते थे ये सुनने का सुनाने का एक लाभ ये हो जाता है कि 5-10% आदमी जरूर उस पर असर करता है। ठीक है, हम पूरी तरह से काबू नहीं कर पाएंगे, गुरु मेहर करे शायद वो भी हो जाए, पर कुछ परसेंट तो चलेंगे। सत्संगत में बैठकर सुना होगा, व्यर्थ कैसे जाएगा। मैं एक बार गया सिंह साहब के पास, दरबार साहब के, जब क्यों मुर्गी मारे सीढ़ी निकालनी थी ना, ज्ञानी जसविंदर सिंह जी के पास गया। मैंने कहा ज्ञानी जी, मैं जो सीढ़ी निकालने जा रहा हूँ, इतनी मगजमारी कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग इसके खिलाफ हैं, मांस खाने के खिलाफ मैं सीढ़ी निकालने जा रहा हूँ, क्या लोगों पर असर होगा, निकालूँ कि नहीं निकालूँ, इतने लोगों की मैं बातें सुन रहा हूँ, ताने सुन रहा हूँ। तो कहने लगे क्यों नहीं असर होगा, क्या धूप का असर नहीं है, शरीर गर्म नहीं हो जाता, क्या सर्दी का असर नहीं है, शरीर ठंडा नहीं हो जाता, ये तो बाणी है, गुरबाणी अपना असर जरूर दिखाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी भरोसे से मुझे अपने आप पे कौन कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी को कहूंगा उसका क्रोध खत्म हो जाएगा, पर गुरबाणी पे ताकत पे मुझे भरोसा है कि ये जो गुरबाणी हम गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसका एक अपना असर है। कोई मन लगा के पढ़ लेगा, गा लेगा, समझ लेगा, तो उसकी जिंदगी में जरूर गुरु नानक कृपा करेगा, क्रोध पे कंट्रोल आ जाएगा। आइए दो पंक्तियां पढ़ें। मंदा किसे ना किए, 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 पर अखर एहो बुझिए, पर अखर एहो बुझिए, पर अखर एहो बुझिए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। अब क्रोध का कारण क्या होता है, क्रोध समझ लिया, क्रोध क्या है, करने से क्या होता है, कंट्रोल करेंगे तो कितनी कृपा हो जाएगी, क्रोध आता क्यों है, उसके पीछे एक ही कारण है साथ संगत जी, ये जबान, महापुरुषों के वचन और वाणी इस बात को प्रमाणित करती है कि जब भी कोई लड़ाई हुई है उसके पीछे कारण ये रसना, ये जबान ही है। द्रौपदी ने सिर्फ इतना कह दिया था, अंधे का पुत्र अंधा, और महाभारत का युद्ध हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि रसना पर काबू नहीं रखा, मजाक में कह दिया। तो महापुरुष समझाया करते थे, ज्यादा करके क्रोध उन लोगों को आता है जो ज्यादा बोलते हैं, जरूरत से ज्यादा और बेमतलब की बातें बोलते हैं। महापुरुषों के वचन कि जहां पर दो अक्षरों से काम चलता हो तीसरा मत बोलो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कई लोग मिलते हैं अपनी बात को समझाने के लिए, आधा आधा घंटा बोलते हैं, दिमाग खा जाते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट बात होनी चाहिए, थोड़े बोलो पर सही बोलो, और सही बोल ही वो सकता है जो थोड़ा बोले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और गुरबाणी इस बात को प्रमाणित करती है, श्रवण कीजिए। बाबा बोलना क्या कर,
नहीं है जैसे राम नाम रब रही है। सवाल किया किसी ने कि क्या बोले जिसे बोलने से ये मन गुरु के चरणों से जुड़ा रहे। कितना बोले क्या बोले तो कबीर जी समझाते हैं, श्रवण कीजिए। संत मिले किछ सुनिए कहिए। अगर कोई संत मिले, ध्यान देना एक एक पंक्ति में बहुत गहरा अर्थ है। संत मिले किछ सुनिए कहिए, पहले सुनिए, पहले कहिए नहीं। संत मिले किछ सुनिए, फिर जब वो पूछे तब कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत पता चल गया है कि ये फालतू आदमी है, फालतू बातें करेगा, बेमतलब की बातें करेगा, मस्त कर रही है। कबीर जी कहते संत मिले किछ सुनिए कहिए, मिले असंत मस्त कर रही है। आगे संतन से बोले उपकारी। संतन से बातें करेगा, संतों से बात करेगा तो तेरे में ये गुण आ जाएगा कि तू उपकारी बन जाएगा। संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले झख मारी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाणी कह रही है, श्रवण कीजिए। संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले झख मारी। संतन से बोले उपकारी, मूर्ख से बोले चकमारी। कहे कबीर छूछा घट बोले, परया होए सो कब हु न डोले। कहे कबीर छू छा घट बोले, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये जो टैंकर रोड पे चलते हैं ना, टैंकर रोड पे चलते हैं, डीजल लेके जाते हैं, पेट्रोल लेके जाते हैं, कई लोगों को शायद पता नहीं है। अगर इनसे कहो ना कि आधा टैंकर भरकर ले जाओ तो भाड़ा ज्यादा मांगते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और अगर पूरा टैंकर भरो तो भाड़ा कम लेते हैं, उल्टा हिसाब है, वजन कम भाड़ा ज्यादा। क्यों? अगर आधा खाली है तो जब ब्रेक मारते हैं ना तो इसके अंदर जो तरल पदार्थ है वो एक तरफ हो जाता है, डोल जाती है, पूरी गाड़ी उलटने का डर होता है। वाणी इस बात को प्रमाणित कर रही है। कहे कबीर छू छा घट बोले, भरया होए सो कब हु ना डोले। कि जो छू छा फालतू बातें कम करते हैं उनके अंदर गुण भर जाते हैं, और जिनके अंदर गुण भर जाते हैं वो फिर कभी डोलते नहीं, और जो खाली हैं गुणों से वो डोलते रहते हैं। इसलिए कम बोलो। सारे झगड़े, सारे क्रोध, सारी लड़ाई की एक ही जड़ है फालतू बोलना। कहे कबीर छू छा घट बोले, परया होए सो कब हु न डोले। मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। सारे मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। बड़े अखरे हो बुझिए, बड़े अखरे हो बुझिए, बड़े अखरे हो बुझिए, बड़े अखरे हो बुझिए। मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए। समा हो गया है, प्रकरण तो बहुत बड़ा है। एक छोटी सी बात कहकर समाप्ति करूंगा। ये जो हम यहां पर सुनते हैं, जो कुछ भी कथा में सुनते हैं, सत्संग में सुनते हैं, हम पर पूरा असर क्यों नहीं होता? क्यों नहीं होता? हम इन बातों को समय पर भूल क्यों जाते हैं? उसके पीछे एक बड़ा बड़ा कारण है, बहुत बड़ा।
छोटी सी साखी सुनिए, कारण समझ में आ जाएगा। एक राजा के स्वभाव था कि उसके राज्य में जो भी महापुरुष आए उसे अपने राज्य महल में बुलाता था, सत्कार करता था, भोजन खिलाता था, सेवा करता था और आखिर में कहता था कोई ज्ञान दो, कोई ज्ञान दो, कोई सुमति दो। तो सारे महापुरुष आते, प्रवचन करते, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं, जैसे मैं बोलता रहता हूँ वो भी बोलते रहे, और राजा पर किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा, वैसा का वैसा ही। माफी देना, मैंने कहा महापुरुष आते, मैं महापुरुष नहीं हूँ, फिर से बता दूं, मैं महामूर्ख ही हूँ, महापुरुष नहीं। एक दिन एक महापुरुष आए उस राज्य में, राजा ले आया उन्हें पकड़कर महलों में ले आया, आदर सत्कार किया, भोजन छकाया, कहने लगा कोई सुमत बख्शो। वो महापुरुष बहुत ही कमाई वाले थे, बहुत ही कमाई वाले सच्चे महापुरुष थे। कहने लगे राजन तू मुफ्त में ज्ञान चाहता है, मुफ्त में? मैं मुफ्त में ज्ञान नहीं देता। राजा कहने लगा आप कहो आपको क्या चाहिए, आप बताओ आपको क्या चाहिए, मैं उतनी भेटा दूंगा, मुझे ज्ञान दीजिए। महापुरुष कहने लगे एक ज्ञान की बात बताने का मैं 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लूंगा, 1,00,000। राजा हैरान हुआ, इतना धन, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं बहुत ज्यादा होती हैं, पर इतने महल के इतने मंत्रियों के बीच में वो कुछ कह ना सका। मंत्रियों से कहा 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लाओ, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा लाके उसे दी गई महापुरुषों को। अब महापुरुष कहने लगे सुन ज्ञान की बात, कि जब क्रोध आए ना तो कुछ करने से पहले 2 बार विचार कर लेना, जब क्रोध आए ना तो कोई कदम उठाने से पहले 2 बार विचार कर लेना, फिर जो करना हो करना। राजा कहने लगा बस इतनी सी बात? महापुरुष कहने लगे हाँ, और क्या ज्ञान चाहिए तुझे, ये कोई छोटा मोटा ज्ञान थोड़ा, क्रोध आए तो 2 बार सोच लो। राजा बड़ा परेशान हुआ, कुछ बोल सका नहीं, महापुरुष चले गए, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले गया और बोल के क्या गया कि क्रोध आए तो 2 बार सोच लेना, ये तो पता ही है हमें। कई महीने बीत गए पर राजा के दिमाग से ये बात निकल नहीं रही, 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ले गया और बोल के सिर्फ इतना गया है कि क्रोध आए तो 2 बार विचार कर लेना। अब राजा कुछ दिनों के लिए बाहर गया, वापिस आया, रात के समय वापिस आया, क्या देखता है उसकी रानी किसी गैर मर्द के साथ पलंग पर सो रही है। राजा था, गुस्सा आ गया, तलवार निकाली, जैसे ही चलाने लगा याद आ गया महापुरुषों ने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ली थी, प्यार से बोले धन गुरु नानक, और कहा था कि क्रोध आए तो 2 बार विचार कर लेना। इतनी स्वर्ण मुद्राएं ले गया, देखो तो सही क्या मतलब है इस बात का। तलवार अपने म्यान में डाली, रानी को उठाया, रानी देख के घबराई नहीं, खुश हुई, कहने लगी महाराज आप आ गए, पहचानो ये कौन है। राजा कहने लगा मैं नहीं जानता कौन है, तू बता ये कौन है। कहने लगा ये आपका पुत्र, पुराने जमाने में लोग छोटे बच्चों को भेज देते गुरुकुल में पढ़ने, बड़ा होकर वापिस आता था, राजा नहीं पहचानता था। कहने लगा ये कल ही वापिस आया है, आपको याद करके उदास था तो मैंने अपने साथ सुला लिया, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। राजा हैरान हो गया, अगर मैं क्रोध में तलवार चला देता सारी जिंदगी मेरी दुखों से भर जाती, पश्चाताप में जलता रहता, धन हो उन महापुरुषों का जिन्होंने 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ली और ये ज्ञान दिया। अब जरा यहाँ पर बात रोकिए, हम लोग को ना मुफ्त में ज्ञान लेने की आदत पड़ गई है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मैंने सोचा एक, जब ये कथा मैं प्रकरण बना रहा था, हम लोग फिल्म में जाते हैं तो 500 रुपये की टिकट खर्च करके जाते हैं, 1,000 रुपये ऐसे ही खर्च कर आते हैं, चलो गरीब आदमी होगा वो भी 100-200 तो खर्च करेगा ही, 1,000-2,000। यहाँ पे बड़े बड़े बैठे हैं, छोटे से छोटा भी बैठा है, गुरु के दर में हर प्रकार के लोग हैं। पर अगर हम सच में यहाँ पर अगर टिकट रख दें 500 रुपये की कि आओ तो बताऊँ कि क्रोध पे कंट्रोल कैसे करना है, तो कोई खर्चेगा? सब ना कर रहे हैं, हाथ खड़े करके बताइए कौन कौन खर्च करेगा, क्या बात है। जेठा जी टिकट रख दें। टिकट छपा दे अगली बार के लिए कि क्रोध को कंट्रोल कैसे करना है। फिर बात भूलेगी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दो पंक्तियां पढ़ेंगे।
मंदा किसे ना किए, 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 ओ मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, बड़े अखरे हो बुझिए, बड़े अखरे हो बुझिए, बड़े अखरे हो बुझिए, बड़े अखर ए हो बुझिए, बड़े अखर ए हो बुझिए, ओ मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, ओ मंदा किसे ना किए, मंदा किसे ना किए, क्यों ना सच में टिकट रख दे, महीने में एक प्रोग्राम टिकट के साथ, और जो माया इकट्ठी होगी संगत के लिए गाड़ी ले संगत को लाने के लिए, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, क्यों जेठा जी करके देखें, नया ही काम हो जाएगा, पर वो निंदकों को एक एक टॉपिक और मिल जाएगा, देखो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, फिर हर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, पर जितनी भी माया इकट्ठी होगी देखते हैं सब मिलके मीटिंग करते हैं, अगर हुआ तो जितनी भी माया इकट्ठी होगी 100 रुपए की टिकट भी रख देंगे, 500 की भी रख देंगे, हाँ क्या जी, तो जो भी माया इकट्ठी होगी गुरु घर के लिए गाड़ी लेंगे संगत को लाने के लिए। आइए अब दो पंक्तियां पढ़ के फिर समाप्ति, और उसमें यह बताया जाएगा क्रोध पे कंट्रोल कैसे करना है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, क्योंकि प्रकरण काफी लंबा था, काफी छूट गया है। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, अंतर वसे न बाहर जाए, अमृत छाड़े काहे बिक काहे, अंतर बसे न बाहर जाए, अमृत छाड़े काहे बिक काहे, अमृत छाड़े काहे बिक खाए, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, सारे हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, ओ हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं ते बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो, हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई, प्रणवत नानक तारे सो,
प्रण बतनारे सो प्रण बतनारो हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे सोए हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोई प्रणवत नानक तारे सोए। जो संगत खड़ी है दो मिनट रुक जाइए, जरूरी बेनती करनी है। बाहर भी जो संगत खड़ी है, जो रोड पर भी बैठी है, दो मिनट बेनती सुन लीजिए जरूरी। ये गुरु नानक पातशाह के कार्तिक के महीने के दिन चल रहे हैं। ये ऐसे दिनों में अपार शक्ति होती है, जो मांगो गुरु नानक से झोली भरती है, महापुरुषों के वचन है। तो इन दिनों में एक दिन भी अमृत वेला मत मिस कीजिए, एक दिन भी ऐसा ना हो कि सोकर गुजर जाए, क्योंकि ये समय बार बार हाथ में नहीं आएगा। दास की हाथ जोड़कर बेनती है सबको, एक दूसरे को प्रेरणा दो। अमृत वेले भी इतनी ही संगत होनी चाहिए बाकी के दिनों में जितनी इस वक्त शाम को है। अब तो बच्चों के स्कूल भी बंद हो गए, सब लोग आ सकते हैं, कोई भी आलस ना करें। रोज सुबह अमृत वेले यहाँ पर 4:15 से 5:15 सत्संग होता है। दूसरी बेनती, धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। वो दूसरी विनती रहने देते हैं, गुरु आज्ञा नहीं दे रहा। तीसरी विनती सुन लीजिए कि अगले संडे का कीर्तन जो है, अमृत वेला यहीं पर होगा, अगले संडे का कीर्तन सिंह सभा गुरुद्वारे में रखा गया है, 5 नंबर 4 नंबर में। तो यही सारी संगत शाम को 5-6 वहां पर पहुंचेगी। एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गुरुद्वारों में भेदभाव खत्म करने के लिए दास ये कर रहा है। नहीं तो मेरा मन होता है कि एक जगह टिके हो तो टिके रहें, आनंद लें। पर अब मेरा मन में एक चाव पैदा हुआ है कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हम हरि कीर्तन दरबार की संगत हैं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, और वहाँ की संगत कहती है हम हरि कीर्तन दरबार नहीं आएंगे, ये सब नहीं होना चाहिए। गुरु की संगत है, जहाँ पर भी कीर्तन हो सबको वहाँ पे जाना चाहिए। ये वितकरा खत्म हो जाए। हम लोग कम से कम हर चीज़ तो बांट चुके हैं, कम से कम गुरुद्वारा तो मत बांटो यार, इसको मत बांटो। तो मेरा मन होगा इस पूरे साल में, पूरा साल, एक भी संडे कोशिश करूंगा जितने दिन मैं यहाँ रह सकूं, जितने संडे हो सके ज़्यादा से ज़्यादा करूंगा, और हर संडे उल्लासनगर के हर गुरुद्वारे में कीर्तन करेंगे, हर गुरुद्वारे में। तो सारी संगत से हाथ जोड़कर बेनती है कि अगले संडे को हर सिंह सभा गुरुद्वारे में कीर्तन है, 4 नंबर में, उल्लासनगर 4 में। सारी संगत को वहाँ पे आना है, इससे भी ज़्यादा संगत वहाँ होनी चाहिए। हाथ खड़े करके प्यार का सबूत दीजिए कि सब वहाँ पहुँचेंगे। बोले सोनिहार, बस इतनी की सेवा प्रवान करना, बाकी जैसे गुरु कृपा करे। आइए आनंद साहब जी का पाठ। राम कली मल तिजानंद कोंकार सतगुरु प्रसाद अनंत पया मेरे माय सतगुरु कृपा सतगुरु तपाय से दिनिया बधाई राग हर परिवार भय शब्द गौराय दोत गाव हरि के रमन जी बसाय कर नानक हो सतगुरु में पाय हे मन मेरे हरि सदा रहना नव लाल मन मेरे दुख बिसार अंगीकार करे मेरा कर सवार मन मेरे सदा
वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी का खालसा। वाहे गुरु जी की।